हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की इन्फॉर्मेटिव सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि केरला के शिहाब चोटूर पैदल हज करने के नियत से जून 2022 में अपने घर से निकले हैं, लेकिन दोस्तों इस साल हिंदुस्तान में एक अनोखे तरीके से हज करने वाले शिहाब अकेले व्यक्ति नहीं हैं। ओडिशा के कटक से ताल्लुक रखने वाले शेख वासिफ भी इसी साल साइकिल के जरिए हज करने के लिए निकल पड़े हैं। मार्च 2022 में हैदराबाद से साइकिल के जरिए हज पर निकलने वाले शेख वासिफ का ख्याल था कि वो 3-3.5 महीने के सफर के बाद पाकिस्तान, इराक और ईरान से होते हुए सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। शेख वासिफ अपने हज के सफर के दौरान लोगों को इस्लाम की और शांति की दावत देना चाहते थे, लेकिन इसके बाद एक अफसोसनाक खबर आई कि हज के सफर के दौरान उनको बॉर्डर पर BSF के जवानों ने अरेस्ट कर लिया। आखिर उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? दोस्तों असल बात यह हुई थी कि शेख वासिफ राजस्थान के बॉर्डर जिले बाड़मेर में गूगल मैप के डायरेक्शन के मदद से सफर कर रहे थे। इस दौरान गूगल मैप की गलती की वजह से शेख वासिफ बॉर्डर के करीब अपनी साइकिल चलाते हुए रेस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी जोन में दाखिल हो गए। ऐसे सिक्योरिटी जोन्स में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंटिन्यूस पेट्रोलिंग होती रहती है और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा यहां पर कोई और बंदा दाखिल नहीं हो सकता। अगर किसी बंदे को किसी ज़रूरत के कारण यहां पर जाना पड़ जाए तो BSF वगैरह के परमिशन की ज़रूरत होती है। शेख वासिफ को इस सिक्योरिटी जोन में साइकिल चलाते हुए देख लिया गया। इसके बाद BSF के जवानों ने उनको गिरफ्तार करके बाड़मेर के एक लोकल पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया। पुलिस ने 2 दिन तक शेख वासिफ के डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री वगैरह की तहकीकात की और इसके बाद जाना कि शेख वासिफ के सभी डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं और उनके पास पाकिस्तान का टूरिस्ट वीजा भी मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने शेख वासिफ के जर्नी का मकसद जानकर उनको शुभकामनाएं दी और रिहा भी कर दिया। इसके बाद शेख वासिफ ने अपना सफर जारी रखा। दोस्तों ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बंदा ऐसे मुश्किल सफर पर निकलता है तो उसको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हमारे देश भारत में और पूरी दुनिया में ऐसे अनोखे हज के सफर की दास्तानें नई नहीं हैं। इसी साल 2022 में ब्रिटेन के रहने वाले इराकी शख्स आदम मोहम्मद तकरीबन 10 महीने का पैदल सफर तय करके बर्तानिया से हज के लिए मक्का पहुंचे हैं। आदम मोहम्मद पैदल तो चलते हैं, इसी के साथ उन्होंने अपना सामान रखने के लिए एक 3 पहियों की गाड़ी बनाई हुई है और वो उस गाड़ी को धकेलते हुए पैदल चलते हैं। 52 साल के आदम मोहम्मद ने अगस्त 2021 में अपना सफर बर्तानिया से शुरू किया था और इसके बाद 11 देशों से पैदल सफर तय करते हुए वो जून 2022 में मक्का पहुंचे हैं। इसी तरह साल 2017 में इंडोनेशिया के रहने वाले 28 साल के नौजवान मोहम्मद खमीम इंडोनेशिया से 9000 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके हज के लिए मक्का पहुंचे थे। उन्होंने अपना सफर 28 अगस्त 2016 को जावा इंडोनेशिया से शुरू किया था। चाइना का शिनजियांग प्रांत, जहां रहने वाले मुसलमानों पर चाइना काफी जुल्म करता है और उनको सप्रेस करता है, यहां के रहने वाले मोहम्मद साल 2016 में शिनजियांग से तकरीबन 5000 माइल का सफर साइकिल के जरिए तय करके हज के लिए मक्का पहुंचे थे। 2016 में रशिया के बुलात नसीब अब्दुल्ला ने हज के लिए रशिया से मक्का तक का सफर साइकिल पर तय किया था और साल 2012 में बोस्निया यूरोप के रहने वाले 47 साल के सेनाद हाजिक 5700 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके हज के लिए मक्का पहुंचे थे। दोस्तों अब बात करते हैं शिहाब के हज के सफर के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शिहाब सऊदी अरब पहुंचने के बाद अकेले हज अदा नहीं करेंगे। शिहाब का इरादा है कि जैसे ही वो सऊदी अरब पहुंच जाएं तो जून 2023 में हज अदा करने के लिए इंडिया से अपनी पूरी फैमिली को बाय एयर सऊदी अरबिया बुला लिया जाए। इसी के साथ शिहाब ने अलग अलग कंट्रीज में अपना सफर शेड्यूल भी किया हुआ है। जून 2022 में वो केरला से निकले हैं, सितंबर 2022 में वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे और 3 महीने के सफर के बाद दिसंबर 2022 में वो ईरान में एंटर करेंगे। इसके बाद ईरान में भी 3 महीने के सफर के बाद मार्च 2023 में वो इराक में दाखिल होंगे और इराक में 1 महीने के सफर के बाद वो अप्रैल 2023 में कुवैत में दाखिल होंगे। इसके बाद कुवैत में सफर के बाद वो मई या जून 2023 में सऊदी अरब में दाखिल होंगे। तो दोस्तों शिहाब, शेख वासिफ और दूसरे लोगों के अनोखे हज के सफर के बारे में बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।